नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बर्जर पेंट के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन लगभग 10% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली और आखिरी क्षण तक आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे इंटरेस्टर के मन में कन्फ्यूजन होगा क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में मतलब कि बहुत दिनों के बाद आप कह सकते हैं कि इस टाइप की तेजी, मतलब 10% भी दोस्तों, मतलब कि आप कह सकते सालों साल की बात है कि 10% का अभी तक स्टॉक में तेजी नहीं दिखाया। तो आज के दिन इस स्टॉक में 10% की क्यों तेजी थी, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। बहुत सारे इंटरेस्टर की रैली मिस हो गई है तो क्या उनको अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। हम आगे बर्जर पेंट के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन स्टॉक ने 6% मतलब माफ करना 10% की तेजी दिखाई, 620 रुपए के ऊपर जो है कि स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक ने भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस नहीं दर्ज किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, उसके बाद तेजी, वापस थोड़ी सी गिरावट देखने के बाद आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी ही देखने को मिलती है। बहुत सारे ट्रेडर के मन में कन्फ्यूजन होगा कि इस स्टॉक में आज के दिन इतनी तेजी क्यों थी। देखिए तो सबसे बड़ा इसका जो कंपटीटर है, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, एशियन पेंट है। एशियन पेंट की बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस जो कि निगेटिव दर्ज किया है, मतलब देखा जाए तो 2400-2500 रुपये के आसपास दिया है। तो जो कि देखा है तो हो सकता है कि मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों, उनको क्या अभी देखता है कि मतलब जो स्टॉक भाग गया है ऑलरेडी, एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दे दिया है, तो उसमें वो निवेश नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद देखा जिसमें अच्छी खासी वैल्यूएशन रहती है, जैसे अगर मैं इसके पी की बात करूं तो 63 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। वहीं पे अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट का जो पी है दोस्तों, लगभग 49-50 के पी पे ट्रेड हो रहा है। देखा है तो ये भी स्टॉक आज के दिन हरे ही निशान में है, ऐसा नहीं कि ये कंपनी जो कि मतलब लाल निशान में है। बर्जर पेंट में क्यों तेजी है दोस्तों, सबसे पहले उससे रिलेटेड भी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले देखिए, कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि पुराना ओल्ड न्यूज़ अगर देखा जाए, मतलब रिसेंट में न्यूज़ आते हैं तो उनका कुछ इफेक्ट इतना खास पड़ता नहीं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, वो उसके न्यूज़ के ऊपर जो कि रिसर्च करते रहते हैं। मतलब क्या है कि मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन एक प्रॉपर स्टॉक आपको मतलब बताने की ज़रूरत है, फिर आप उस स्टॉक के ऊपर जो कि स्टडी करेंगे। तो वही सेम चीज़ आप कह सकते हैं कि बर्जर पेंट के साथ भी हुआ है। आदित्य अरोरा की बात करें तो इन्होंने एशियन पेंट, मतलब अगर अवॉइड मिड कैप स्टॉक आईटी स्टॉक को जो कि इन्होंने अवॉइड करने की सलाह दी, एशियन पेंट की बात करें तो सेल का टारगेट दिया गया ऑलरेडी, वहां पे देखा तो बर्जर पेंट का इन्होंने बाइंग का टारगेट दिया, जो कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट था वो आज के दिन अपने को पड़ते हुए दिखा है। यहां पे आप देख भी सकते हैं, जियो फाइनेंशियल की बात करें, बहुत सारे स्टॉक है, ऐसा नहीं, यहां पे अगर आप देखेंगे तो लगभग आदित्य की बात करें तो सेस एशियन पेंट सेल जो कि नाउ 2870 स्टॉप लॉस 3000 रुपए, मतलब जो कि देखा तो ये टेक्निकली बात हो रही है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो बर्जर पेंट, इस पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो कि उन्होंने बाइंग की सलाह दी थी दोस्तों, 3 दिन पहले की बात है, 630 रुपए का टारगेट भी उन्होंने रखा था। ये तो हो गई छोटी मोटी न्यूज़ दोस्तों। देखिए ये तो बहुत पुराना न्यूज़ है, तो ऐसा नहीं कि हम कोई नया आपको बता रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे कुछ बीएससी की वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं, कोई नया अनाउंसमेंट हुआ तो कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। सेकेंड, चलिए हम एनएससी की वेबसाइट पर भी चेक कर लेते हैं कि आज के दिन कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ मतलब एक्सचेंज पर कुछ फाइलिंग करके बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आज के दिन एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम क्रिएट हुआ है, जिसमें 28% माल डिलीवरी में उठाया गया, तो वैल्यूम का भी आप रीजंस मान सकते हैं कि मतलब देखा जैसे। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 680 रुपये इसका जो कि ऑल टाइम हाई है, माफ़ करना बाउंड भी खाई है, एक्चुअल में कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है लगभग 800-900 के आसपास है, इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। यहाँ पर अगर मैं कुछ मतलब कि एनएससी की वेबसाइट पर अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी इतना खास अभी रिसेंट का अपडेट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो इतना कुछ खास इस न्यूज़ का तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, हालांकि इसका देखा जाए तो आप कह सकते हैं गैप डाउन ही स्टॉक ने ओपनिंग किया था। तो स्टॉक में तेजी क्यों थी दोस्तों, सबसे पहले देखिए हमने एनएससी बीएससी दोनों पे देख लिया, उस पर कुछ भी अपडेट नहीं देखने को मिला। न्यूज़ की बात करें तो 3 दिन पहले का न्यूज़ देखने को मिला, उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इतना स्टॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ा नहीं था। सेकंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, कंपनी में कोई भी गड़बड़ी अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी 400-500 रुपये की प्राइस पर भी आई थी, इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। और अगर मैं वहीं पर एफआईज और डीआईज की बात करूँ तो किसी ने भी अभी तक इस स्टॉक को बहुत ही ज़्यादा मतलब लूज़ नहीं किया, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। दिसंबर के बाद इस स्टॉक में डीआईज और एफआईज की बात करें तो मतलब देखा जाए तो दोनों बाइंग ही कर रहे हैं, तो इन सभी पॉइंट को भी नोट करना है कि मतलब कंपनी में एकदम बेस्ट देखा जा रहा है। सेकंड, जो इस स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजन हो सकता है दोस्तों, देखिए कंपनी सेकंड नंबर की कंपनी देखने को मिलती है, और एशियन पेंट की अगर
कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो इनका क्वार्टरली प्रॉफिट है यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि 34% मतलब 34% के आसपास देखने को मिलता है एशियन पेंट का, यहाँ पे 49% का। ये चीज़ को भी आपको नोट करना है। वही देखिए, एशियन पेंट बहुत बड़ी कंपनी है, इनके क्वार्टरली सेल्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर क्वार्टरली सेल्स अगर देखा जाए तो इनके थोड़ा सा मतलब कि बर्जर पेंट दोस्तों इस समय देखा जाए तो एक अच्छा वेस्ट प्लेयर साबित हो रहा है अपने सेक्टर में। सेकंड, अगर मैं और कुछ भागने के पीछे का रीजन ढूंढने की कोशिश करता हूं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पे ब्रेंट की बात करें, WTI की बात करें, दोनों मतलब कि इतना कुछ खास नहीं। हालांकि एक नेचुरल देखने को मिलता है, फ्लैट देखने को मिलता है, तो एक दबाव प्रेशर तो क्रिएट हो रहा है। लेकिन हाँ, मतलब मेरे पॉइंट से देखा जाए तो जो ऑक्सीजन एशियन पेंट के लिए है, बर्जर पेंट के लिए, वही ऑक्सीजन देखा जाए मतलब हर पूरा एक बहुत बड़े सेक्टर के लिए है। तो इस पॉइंट को देखा है, मतलब कि मेरे पॉइंट से ये पॉइंट तो नहीं हो सकता है। जो भी रीजंस है दोस्तों भागने के पीछे का, आप कह सकते हैं कि वही न्यूज़ देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों, बर्जर पेंट में जो भी रिटेस्टर बाइंग करना चाहता है, अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 9%, मतलब क्या दोस्तों कि इधर से इधर तक ये स्टॉक एकदम चला ही नहीं। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि 3 दिन पहले ही अपने को न्यूज़ देखने को मिला था और हम 5 दिन के चार्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो 1 महीने में भी कोई भी मतलब इतना तेजी देखने को नहीं मिला, एक फ्लैट ही मतलब जो भी तेजी देखने को मिल रही आज की तेजी आप कर सकते हैं। 6 महीने में देखेंगे तो 3%, यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ 27% का, 5 साल में देखेंगे दोस्तों लगभग 150% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पैसे को कंपनी 5 साल में डबल करती है, और जितना रिटर्न एशियन पेंट बना के देता है उतना रिटर्न देखा है तो बर्जर पेंट भी बना के देता है। तो इस पॉइंट से जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। देखिए, ग्रासिम इंडस्ट्रीज आए, चाहे कंपटीशन इसका मतलब कि इंडिगो पेंट से बढ़े, चाहे एशियन पेंट से बढ़े, चाहे ग्रासिम इंडस्ट्रीज आए दोस्तों, कोई भी आए, उस न्यूज को आपको इग्नोर करना है। मेरे पॉइंट से जो पुराना प्रिंट मतलब प्लेयर है दोस्तों बर्जर पेंट की बात करें तो इसका भी देखा जाए मतलब एक बड़ा प्लेयर आप कह सकते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो एकदम बेस्ट है। गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 550 के आसपास वर्स्ट कंडीशन में, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब कि निगेटिव रिएक्ट करता है तो। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। जैसा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 750-800 के आसपास भी ये कंपनी गई थी, तो हो सकता है कि 1000 के लेवल को भी ये कंपनी टच कर सकती है। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।